गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीलनायक मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एकाधिकार के अंतर्गत फर्म किस तरीके से अपना समय निर्धारण करती है उसको हमने समझा था, पढ़ा था, अल्पकाल के अंतर्गत और TRTC मेथड के अंतर्गत। अब हम दीर्घकाल की बात करते हैं कि जो सीमांत आगम वस्तुवक्र विधि है उसमें अल्पकाल भी तो हमने डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में, और अब दीर्घकाल की बात करते हैं कि दीर्घकाल में यानी लॉन्ग रन में वो फर्म अपना इक्विलिब्रियम किस तरीके से सेट करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा हेडिंग डाल दिया दीर्घकाल में फर्म का समय, एकाधिकार का टॉपिक है दीर्घकाल में फर्म का समय। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, हम बात करते हैं दीर्घकाल की। दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें कोई भी उत्पादक फर्म अपने उत्पत्ति के साधनों में आसानी से परिवर्तन कर सकती है, और आसानी से परिवर्तन करने के कारण वो है जो हमेशा लाभ की स्थिति में रहती है। ठीक है, वो चाह जो चाही गई मात्रा है उसको प्रोड्यूस कर सकती है, उसको उत्पत्ति के साधनों में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, उसको फुल मात्रा में मिल जाते हैं। सामान्यतः एकाधिकारी को क्या होता है, दीर्घकाल में अतिरिक्त लाभ ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि एकाधिकारी का बाजार पे पूर्ण नियंत्रण रहता है, बाजार की पूर्ति पे पूर्ण नियंत्रण रहता है, कीमतों पे पूर्ण नियंत्रण रहता है, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावी रुकावटें होती है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से एकाधिकारी को क्या है, उसका एकाधिकारी बना रहता है, उसका पूर्ण वर्चस्व बना रहता है। इस कारण अल्पकाल में हो सकता है कभी कभार उसकी लॉस की कंडीशन मिल जाए, लेकिन दीर्घकाल में हमेशा ही उसको लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए दीर्घकाल में किसी भी एकाधिकारी को क्या होता है, अतिरिक्त लाभ ही प्राप्त होता है। ठीक है, डायग्राम के द्वारा हम इसे शो करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले OH कैसे है, आपको लिखेंगे कीमत आगम और लागत, मैं ठीक चीजें या उत्पादन मात्रा। ठीक है, ये हो गया उत्पादन मात्रा। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ अतिरिक्त लाभ की स्थिति दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, AR और MR को खींचना है। ये AR है और नीचे इसके डैश डैश करके हम बनाएंगे MR। तो सबसे पहले हमने क्या खींचा है, AR और MR को खींचेंगे। तो अब क्या करना है, अतिरिक्त लाभ करना है। अतिरिक्त लाभ करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, AR से तो ACA कम करने पड़ेगी। ठीक है, तभी हमें अतिरिक्त लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे, हम नीचे से AC को फिर से भी काटते हैं। इस तरीके से AC को हमने काट दिया है। ठीक है, कहीं भी काट दीजिए घुमावदार। अब इसका जो न्यूनतम बिंदु होता है, ठीक है, जो AC का न्यूनतम बिंदु होता है वहां क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट को काटते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो अब मार्जिनल कॉस्ट का इसका संबंध है, ऐसा न्यूनतम बिंदु देखिए यहाँ यहाँ लगभग यही बन गया है। ठीक है, ये मान लो यहाँ बना है। तो एवरेज कॉस्ट को इस तरीके से ऊपर की ओर काटती हुई ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज कॉस्ट हम बना देते हैं, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट को ऊपर की ओर जाएगी एवरेज कॉस्ट को। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट भी बना दी। अब हमें क्या देखना है, फर्म का सामने कहाँ है। फर्म का समय हम पहले ही बात कर चुके हैं कहाँ होता है, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो, वहीं क्या होता है, फर्म का समय होता है। तो हमने देखा इसका समय कहाँ है, तो आप देखोगे कि इस बिंदु पर। ठीक है, यहाँ ये डैश डैश करके मैंने बनाए फर्म का समय है, ई बिंदु लिखते हैं इसको। इसको हम नीचे मिलाते हैं और ये क्या बताता है कि फर्म की ये उत्पादन मात्रा है समय के लिए। ठीक है, इस उत्पादन मात्रा पर फर्म को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी वो कौन बताएगा, AR और AC। ठीक है, अब देख लेते हैं कि AR ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, AR कम होगा तो लॉस हो जाएगा, किससे, AC से। अब हम ऊपर चलते हैं सीधा, सबसे पहले यहां से, तो सबसे पहले AC ने टच किया, यहाँ इधर मिला। ठीक है, AC ने टच किया, इधर मिलाया हमने, तो इसको नाम देते हैं R, नाम देते हैं इधर, इसको नाम देता हूं मैं S। फिर ऊपर होते हुए ऊपर जाएगा सीधा AR पे, AR को नाम देते, इसको लेते हैं L, नाम देते हैं इसको, इधर नाम देते हैं इसका क्या नाम देना है, P, क्योंकि AR और प्राइस एकाधिकार में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब चूंकि हम लॉन्ग रन की बात करें, दीर्घकाल की बात करें, तो जो हमारे लागत वगैरह है इनको हम नाम
एनएसी नाम देते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिन कॉस्ट, थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस लगेगा उसमें, ठीक है। बाकी हमने हेडिंग डाला हुआ है, बाकी थोड़ा सा ये लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, यानी लॉन्ग टर्म यंत्र कल लागते हैं ये। अब आप देखेंगे कि इस उत्पादन स्तर पर लाभ कितना है, हानि कितनी है। उत्पादन स्तर पर सीधा चलते हैं, यदि हम चलते हैं सीधा ऊपर की ओर तो एस बिंदु पर टच करता है क्यू एस। क्यू एस क्या है? लागत, ठीक है, यानी हम बात करते हैं लागत की। तो ये हो गया क्यू एस। हम बात करें रेवेन्यू कितनी हो रही है, आगम कितना हो रहा है, तो वो होगा क्यू एल, ठीक है। ये हमारी क्या है? रेवेन्यू यानी आगम, क्यू एल, ठीक है। और इन दोनों का अंतर जो डिफरेंस है एस एल, एस एल क्या है? ये हो गया अतिरिक्त लाभ यानी अबनॉर्मल प्रॉफिट, ये अबनॉर्मल प्रॉफिट है। ऐसा हमारे लाभ बोलते हैं इसको, अतिरिक्त लाभ भी बोलते हैं। तो इस तरीके से पूरे क्षेत्र की बात करें तो कुल लागत क्या है, कुल आगम क्या है, उसको हम लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? इसे लिखेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू कितनी है यहाँ? रेवेन्यू पर ये है पूरा ये क्षेत्र है जो बनेगा ओ पी एल क्यू, ओ पी एल क्यू, ठीक है। उसके बाद में टी सी कितनी है, यहाँ से टी सी ये है टोटल, यहाँ जो कॉस्ट पर टच करा है एल ए सी को, तो यहाँ ये पूरा क्षेत्र बनाता है ओ आर एस क्यू, ओ आर एस क्यू, ठीक है। तो ये इसका टोटल है जो कॉस्ट हो गया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है आर पी एल एस, ये क्या है? ये टोटल प्रॉफिट है आर पी एल एस। तो इस तरीके से ये इसमें लिख सकते हैं हम प्रॉफिट, ओके, तो ये प्रॉफिट इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस तरीके से लाभ होता है, किस तरीके से हानि होती है और किस तरीके से सामान्य लाभ होता है। तो हमने सभी को डिस्कस कर चुके अभी। तो हमारा टॉपिक है कि इसमें किस तरीके से कोई फर्म है जो अपना सामान्य निर्धारण करती है, आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, किस तरीके से लॉस की कंडीशन हो सकती है, किस तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो सभी से निवेदन है कि अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।